हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है अमन सिंह और आज मैं इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ ब्रिक कैलकुलेशन के बारे में। वैसे मैं देखिए ब्रिक की मैं दो वीडियो बनाऊंगा, एक पहली वीडियो आज, इसके बाद जो वीडियो आएगी वो मेरी प्रैक्टिकल होगी ऑन साइट पे। कि उस वीडियो में खासकर वो वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि जो भी आदमी जैसे कोई भी है इंसान, अगर उसको नहीं कैलकुलेशन निकालना आता है तो वो मेथड अगर एक बार समझ लेगा, खाली ये बस ध्यान रखना है कि वो 4 इंच की दीवार है, 4.5 इंच की दीवार है या फिर 9 इंच की दीवार है, बस इतना ध्यान रखना है। तो उससे आपसे कितने एरिया में कितनी ईंटें आएंगी, तो बहुत ही सिंपल सा मेथड रहेगा। और एक बार अगर आपने समझ लिया वो मेथड, तो आप ज़िंदगी भर उस चीज़ को भूलेंगे नहीं। कैलकुलेशन में क्या है, कैलकुलेशन में आदमी भूल जाता है कि एक ब्रिक का वॉल्यूम क्या है, कितना एरिया फिर कैलकुलेशन करेगा, उसको टाइम लगता है काफ़ी, ठीक है। और जो नहीं कैलकुलेशन कर पाते हैं, जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, तो वो मेथड अगर ध्यान रखेंगे, एक बार खाली देख लेंगे वो चीज़, एक बार अगर आप कर लोगे तो कभी भूलोगे नहीं। तो वो दूसरे वीडियो में मैं बताऊंगा उस मेथड को प्रैक्टिकल कैसे निकालना है आपको साइट पे। और इस वीडियो में खाली आपको बताऊंगा टेक्निकली जैसे हम लोग निकालते हैं ब्रिक, तो वो कैलकुलेशन कैसे निकाली जाती है। तो सबसे पहले आते हैं कि ब्रिक के साइज क्या होते हैं। तो दोस्तों, अगर मैं आपसे बात कहूँ कि जैसे आप अगर आज गूगल सर्च करते हो, तो गूगल में अगर सर्च करते हैं कि ब्रिक का साइज क्या होता है, तो ब्रिक का साइज अगर वहाँ पे आपको मिलेगा आज की डेट में कि 190 लेंथ होगी और 90 mm और 90 mm लेंथ और हाइट और विड्थ होगी उसकी। तो ये आपको स्टैंडर्ड नहीं लेके चलना है। आपको क्या स्टैंडर्ड लेके चलना है, इंडियन स्टैंडर्ड जो हम लोग यूज करते हैं और जो आप लोग यूज करते हैं आज की डेट में। तो वो जो ब्रिक का साइज होता है जो हम लोग यूज करते हैं, उसका साइज क्या होता है अगर स्टैंडर्ड की बात की जाए। हाँ, ये होता है कुछ साइज होते हैं, कुछ पतले होते हैं, कुछ मोटे होते हैं, कुछ ज़्यादा फिनिश होते हैं, तो वो डिपेंड होती है कौन किस तरह बना रहा है ब्रिक, उसकी बात मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैं इंडियन स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूँ, जिसका साइज़ होता है 230 mm लेंथ होती है, 115 mm विड्थ होती है और 375 mm हाइट होती है। तो ये इसी स्टैंडर्ड से हम इस कैलकुलेशन को निकालेंगे आज। दोस्तों, अब आते हैं सीधे कि जैसे कि एक वॉल लेते हैं, वॉल क्या, जिसे आपको साइज़ दिख रहा है कि ये वॉल है, 2.5 फिट की लेंथ है, 1 फिट की हाइट है और 9 इंच की मोटाई है इसकी। ये क्या वॉल क्या है, ज़्यादा बड़ी वॉल नहीं, छोटा सा एक वॉल का पार्ट कह सकते हैं। तो मैं एक्चुअली ये वॉल साइज क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि इसी साइज पे मैं आपको साइड पे भी दिखाऊंगा, जो मेरी दूसरी वीडियो आएगी उसमें भी आपको इसी साइज पे मैं दिखाऊंगा कि इस साइज में कितनी ईंटें आती हैं। तो ये चीज़ें दोनों सिमिलर रहनी चाहिए, ऐसे ना कि मैं आपको यहाँ कुछ और बताता हूँ और साइड पे कुछ और बताऊँ, तो उससे आप कन्फ्यूज हो गए। तो सबसे पहले आते हैं कि इस वॉल का वॉल्यूम निकालते हैं। तो वॉल्यूम निकालने के लिए लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, तो लेंथ कितनी हुई 2.2 फिट 6 इंच, मतलब 2.5 × 9 इंच आपकी क्या नाम चौड़ाई है, तो 0.75 फिट को फिट में कन्वर्ट करेंगे। और हाइट क्या, 1 फिट ऑलरेडी है तो एक ही रहेगी। तो इसका जो वॉल्यूम आपका निकलेगा, तो 1.875 क्यूबिक फिट इसका वॉल्यूम निकलेगा इस वॉल का, ठीक है। तो इस वॉल में कितनी ईंटें लगेंगी, तो ईंटों का वॉल्यूम भी निकालना है आपको, तो ईंटों का एरिया, ईंटों का साइज़ भी पता होना चाहिए आपको। तो आते हैं कि आपको स्टैंडर्ड क्या बताया, 230, 115 और 75। तो इंच में अगर आते हैं तो 9 इंच इंटू 4.5 इंच कह लो आप, और 3 इंच हाइट कह लो। तो वॉल्यूम लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, लेंथ के लेंथ रखी 9 इंच, विड्थ किया 4.5 और इंटू 3 इंच, इसको अगर इसका आंसर ये आएगा 0.070 क्यूबिक फिट। ये क्या हो गया, ब्रिक का वॉल्यूम निकालाया। अब क्या करेंगे, वॉल के वॉल्यूम को ब्रिक के वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, तो आपका आंसर आएगा 26.78, मतलब ये ब्रिक नंबर ऑफ ब्रिक आएंगे, मतलब 26.7, मतलब लगभग अप्रॉक्स 27 ब्रिक आपकी यहाँ पे यूज़ होंगी। अब ये ध्यान रखिए, इसमें कई लोग कहेंगे मोटर आपने नहीं जोड़ा, तो मोटर इसलिए नहीं जोड़ा है क्योंकि देखिए सबके लगाने का अलग अलग ढंग होता है। कोई मिस्त्री 10 mm में करता है मोटाई उसकी, कोई आधा इंच कर देता है, कोई ऐसे ऐसे होते हैं कि 1-1 इंच तक की मोटाई कर देते हैं। तो ये मोटर इसलिए नहीं जोड़ा गया कि एक तो ब्रिक का भी साइज अलग अलग होता है, कुछ कुछ जगह किसी की 8 इंची होती है, किसी की 8.5 इंची होती है, कोई थोड़ी पतली ब्रिक होती है, सो साइज भी अंतर काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो खाली आपको कि ब्रिक का वॉल्यूम, बस आपको ब्रिक कितनी आएंगी इस वॉल पे, बस उतना हमको बताना था कि लगभग आपकी मैक्सिमम 27 ब्रिक आनी है, इससे ज़्यादा नहीं आएंगी आपकी ब्रिक। तो ये बस आप ध्यान रखो, जो भी आप ब्रिक यूज करो, कोई भी चीज़, चाहे पत्थर स्टोन यूज करते हो, चाहे वुडन वर्क यूज करते हो, तो उसमें जो भी काम करवाते हो उसमें 10% वेस्टेज तो होती है। तो ये जो 2.5 फिट की आपको वॉल दिख रही है 9 इंच की, तो इसमें जो 10% वेस्टेज होगी, उसी वेस्टेज को एज ए मोटर आप यूज कर देख सकते हो कि उसकी वेस्टेज की है, यहाँ पे मोटर यूज हो गया, तो वेस्टेज तो होनी है। चाहे आप 1 क्यूबिक मीटर का एरिया, लोग काफ़ी लोग बताते हैं 1 क्यूबिक मीटर में कितनी ब्रिक लगेंगे, तो ब्रिक तो एग्जैक्ट वो निकाल लेते हैं, लेकिन मोटर भी अलग से निकालते हैं, लेकिन ब्रिक में ऐसा तो है नहीं कि वही एग्जैक्ट ब्रिक आपकी लगेंगी जितनी आप लाएंगे भाई, उसमें भी वेस्टेज होगी, तो वेस्टेज भी तो जोड़नी पड़ती है ना।
तो इसमें क्या है, इसमें आपकी वेस्टेज भी जुड़ी है, साथ में सब कुछ कंप्लीट जुड़ा हुआ है, आपको कुछ नहीं करना है। और ये मैक्सिमम है, ये 27 मैक्सिमम है। आप साइट पे भी, मैं जो दूसरी वीडियो दिखाऊंगा उसमें भी आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा कितने ब्रिक आती हैं, मतलब 27-28 से ज़्यादा ब्रिक आने नहीं है। हाँ, एक दो ब्रिक, दो तीन ब्रिक ऊपर नीचे होती हैं ज़्यादा एरिया में, तो वो इतना कोई वैरी नहीं करता, क्योंकि इतने बड़े काम में फिर इतनी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, कोई पतली ब्रिक है, कहीं मसाला आपने ज़्यादा लगा दिया, कहीं कोई पतला मसाला लगा दिया, तो डिपेंड करता है कि मिस्त्री के ऊपर भी, कि मोटर कितना एरिया कितना कवर कर रहा है वो। दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि मेरे कहने का मतलब क्या है, कि कैसे आपको ब्रिक निकालना है। तो ये जो स्टैंडर्ड हमें, मैंने बताया कि 27-28 ब्रिक आपको मैक्सिमम लगेंगी। 9 इंच की दीवार होगी तो 27 ब्रिक लगेंगे लगभग, 4 इंच की दीवार होगी जस्ट उसके हाफ लग जाएगी। तो बस इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर जरूर करिएगा, और इसके जो बाद मैं वीडियो डालूंगा वो जरूर वीडियो आप देखिएगा, कि इस वीडियो में कैसे मैंने प्रैक्टिकली आपको बताया है कि क्या साइज आएगा, क्या साइज में, किस साइज में कितनी ईंटें आपकी लगेंगी। वो आप एक बार भी मेथड समझ लोगे तो आप लाइफ टाइम नहीं भूलने वाले, ये मेरी गारंटी है। बस आपको ये ध्यान रखना है 4 इंच की दीवार है कि 9 इंच की दीवार है, बस और कुछ नहीं करना है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।